अधिकारी है, मोहम्मद भाई है, आप सभी जो भी रिस्पेक्टिव है सभी को धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ। और जो भी यहाँ पे बात हुई, बहुत से लोगों ने बहुत सी बात रखी है, सिर्फ मैं भी इतना ही कहूँगा कि आप मुझे पार्षद का मौका दोगे इतना मुझे पूरा विश्वास हुआ है। और मैं भी आपको एक वचन देना चाहता हूँ कि आप भी मुझे 5 साल देखोगे, क्योंकि पॉलिटिक्स कभी 7-2 साल की नहीं रहती है, 5 साल की नहीं रहती है। और दूसरी बात, मैं मेरे भगवान की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए आ रहा हूँ, सोशल वर्क करना है। जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कभी किसी से मतलब भेद ही नहीं किया है, ये समाज के वो समाज के। मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल करना चाहता हूँ, जो भी मेरे को इससे भी पैसा आएगा वो मैं अच्छे काम के लिए। तो आप देख रहे हो भिवंडी रहे, शाहपुर रहे, मुंबार रहे, कन्या पश्चिम, आज बदलापुर में था, सभी जगह पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अपन सब साथ में मिल के अपने वो करना है। भिवंडी की भी बोलता हूँ, टोरंटो का भी मसला है, टोरंटो वाले ने मेरे को 4 बार कांटेक्ट किया मिलने के लिए, आपको एकदम क्लियर बोलता हूँ। और मैंने सीधा बोला उनको कि मैं ऑलरेडी पैसा कमाने के लिए मैं लड़ी नहीं रहा हूँ। और दूसरी बात, कल कितने आपसे लड़ना है, तो अभी आपका पैसा लेगा तो कल आपसे नजर नहीं मिला पाऊँगा। और देखो मेरे वो उनमें ही मैं एक बार सोच रहा कि आपने वोट दिया तो कल जाके आपसे कहीं गद्दारी करूँ, मैं आपसे नजर नहीं मिला पाऊंगा, सर उठा के देख नहीं पाऊंगा। और ये मैं किसी भी हालत में उम्मीद नहीं दूंगा। इतने आपको बोलता हूँ, जो भी आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं, देखो मैं आज पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूँगा, ये 5 साल आप देखोगे जो आप मेरे से उम्मीद किए मैं वैसा ही काम करूँगा। कभी भी चाहे वो अपने समाज का हो, चाहे बौद्ध समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का, जो भी समाज का मसला लोकसभा में उठाना हो, जो भी सब मैटर चल रहे हैं समाज के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। देखो जो भी संविधान में लिखा है, आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के तहत अपन सबको समान है कि ये देश अपना सभी का है, किसी एक का देश नहीं है। और यहाँ पे सभी का हक है, ये सभी का हक किसी भी हालत में आबादित रहने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और ये भी बोलता हूँ, अगर देखो ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी तो हो सकता है अगर आपका सत्ता में आए इंडिया गठबंधन तो बहुत से मसले अपने आप हल होने वाले हैं। लड़ने की भी जरूरत नहीं है, पर ये सब करने के लिए एक सिर्फ भिवंडी की सीट नहीं चाहिए। अभी आप जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरे थाना में बहुत दोस्त हैं, मेरे सबके रिलेटिव भी हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी जो शिवसेना का कैंडिडेट राजीव रंजन उसको हेल्प, ये अपनी सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि एक भिवंडी आएगी, एक थाना आएगी तो नहीं चल रहा है अपने को। और देखो पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, हर जगह खुद नरेंद्र मोदी आके सभा कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, ये उनको मजबूर करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रवादी को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा, फिर भी आज भी जो लोगों की चाहत है वो सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन है, और इसके कारण आज उनको भी मालूम है कि क्या हालात है। तो बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि महाराष्ट्र में रहे, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अपने दोस्त रहे, रिलेटिव रहे, कोई भी रहे, उसे सबसे रिक्वेस्ट करनी है, ये टाइम अपने को खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकशाही लोकतंत्र लोकशाही को बचाना है। जब लोकशाही बचेगी तो हम आप बचेंगे।
एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।